चीनी सेना की साजिशों को अब सुन पाएंगे भारतीय सैनिक। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल रिजल्ट में हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित 75 ऐसे सैन्य उपकरण और तकनीक भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं जिनसे देश की सीमा और सरहदों की निगरानी काफी आसान हो जाएगी। रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किस तरह से हो सकता है, किस तरह से सेना और सैनिक देश की रक्षा और सुरक्षा में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके लिए राजधानी दिल्ली में देश की पहली AI इन डिफेंस सेक्टर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया और इस मौके पर यहाँ पर 75 ऐसी टेक्निक्स और प्रोडक्ट्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं उनकी एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी लगाई गई है। हम जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग स्टॉल्स पर एक ये देखिए ये रेल माउंटेड एक रोबोट टाइप एक जो सिस्टम है दिखाई दे रहा है। हमारे साथ खुद भारतीय सेना के मेजर पारस हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेना में और इस डिवाइस को नाम दिया है साइलेंट सेंट्री का नाम दिया गया है। तो मेजर पारस, ये जो साइलेंट सेंट्री है ये क्या सैनिकों की जगह हमारे देश की रक्षा सुरक्षा करता है हमारी सरहदों की? ये जो रोबोटिक सिस्टम बनाया है ये सैनिकों को रिप्लेस तो नहीं करेगा बट उसकी सहायता करेगा और उनकी पेट्रोलिंग कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाएगा। ये रोबोट जो है ऑटोनॉमसली पेट्रोल करता है, 1 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ऑटोनॉमसली पेट्रोल करता है और इसके साथ में ऑटोनॉमसली चार्जिंग सिस्टम है। तो जब इसका ऑपरेशन हो रहा है तो टोटली ह्यूमन फ्री ऑपरेशन है इसका। इसमें AI जो है वो इंट्रूजन डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब रोबोट आपका पेरीमीटर पर मूव करेगा तो जैसे ही आपको इंट्रूडर दिखेगा ये रोबोट उसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स बनाता है, उसकी फोटोज लेता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन, फेस रिकग्निशन एंड डेटा एनालिटिक्स चलता है। अगर जान पहचान का कोई फेस दिखा तो ये अलर्ट दे देगा सारे सर्वेलेंस सेंटर्स पे, क्योंकि ये वायरलेसली काम कर रहा है। और अगर आपको उसका फेस नहीं दिख रहा और आपको दूर से कोई आता हुआ दिख रहा है तब भी अलर्ट दे देगा कि ह्यूमन डिटेक्टेड या इंट्रूजन हैज़ बीन डिटेक्टेड एट दिस प्लेस। इसके अंदर GPS लगा हुआ है तो जहाँ पर भी इंट्रूजन दिखेगा उस जगह के लोकेशन आपको ये हर सर्वेलेंस सेंटर में अलार्म के साथ दे देता है। ये जो रेल माउंटेड रोबोट है ये दरअसल हम लोग इसको मान सकते हैं जैसे LOC पर, जो पाकिस्तान से सटी हुई LOC जहाँ फेंस लगी होती है, कटीली तार लगी होती है, तो वहाँ पर इस तरह की एक ये लगा दिया जाएगा, इस रोबोट को लगा दिया जाएगा और ये खुद डिटेक्ट करता रहेगा कि कोई अगर वहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश करता है, कोई आतंकी जैसा कि हम लोग देखते हैं LOC पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है उसको डिटेक्ट करता है। और इसका मॉनिटर यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ, इसके सामने जो भी आता रहेगा उसकी तस्वीर जो है जो सेना के अधिकारी होंगे जो कि अपने कमांड सेंटर में बैठेंगे उनको दिखाई देता रहेगा। ऐसे ही है मेजर पारस, ये डिटेक्ट करता है कि अगर कोई दुश्मन आ रहा है या आतंकी कोई आ रहा है दूसरी तरफ से, अगर फेस स्टोरेज है और आपका डायरेक्शन है तो यस आपको अलर्ट करेगा कि उस साइड से कोई दुश्मन आ रहा है या आतंकी आ रहा है और आपको अलर्ट कर देगा बोथ डे एंड नाइट के अंदर इसमें, क्योंकि थर्मल कैमरा भी लगा हुआ है इसके साथ। दूसरी बात जो मेजर पारस ने बताई है कि ये फ्रेंड एंड फो को भी डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि अगर कोई अपने देश का ही सैनिक उधर की तरफ आता है फेंस की तरफ तो उसको भी अलर्ट कर देगा, तो ये दुश्मन की पहचान भी करता है। और मेजर पारस, इसकी रेंज क्या है, कितने किलोमीटर तक ये कर सकता है, मैन कर सकता है? जो साइलेंट सेंट्री रोबोट है ये आपका 1 किलोमीटर के लिए 6 किलोमीटर 6 घंटे के लिए पेट्रोल कर सकता है। ये रेंज बढ़ाई भी जा सकती है पर हम लोगों ने इसको स्पेसिफिकली चूज़ किया है क्योंकि जैसे अगर 5 किलोमीटर है तो 5 रोबोट्स उसको स्वॉर्म में कवर करेंगे, तो 6 घंटे के लिए पेट्रोल करेगा, 6 घंटे बाद इसका बैटरी लो होने लगता है, ये ऑटोमेटिकली सेंस करता है कि बैटरी लो हो गया है एंड देन डॉकिंग स्टेशन पर जाके ऑटोमेटिकली चार्ज करता है। जब ये चार्ज कर रहा होता है तो दूसरा रोबोट जो उसके लेफ्ट और राइट में है वो इसका एरिया कवर करने की कोशिश करती है इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंटली ये जो है हमारी देश की जो सरहदें हैं उनकी सुरक्षा कर सकता है, जो सैनिक की मदद करता है। सैनिक को खड़े होकर नहीं करना है सरहद पर खड़े होकर, सिर्फ ये करता रहता है जो सैनिक है वो अपने कमांड सेंटर में बैठकर इस मॉनिटर पर बैठकर देख सकता है कि कोई आतंकी तो घुसपैठ नहीं कर रहा, और 6 घंटे तक ये लगातार खड़ा हो सकता है। एक सैनिक के लिए 6 घंटे एक जगह खड़े होना बहुत मुश्किल काम होता है, तो उसकी जगह पर ये, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल देश की सेना और सैनिकों के लिए किया जा रहा है, जिसमें से एक ये प्रोडक्ट जो है जो AI बेस्ड है यानी कि जिसे कृत्रिम हम लोग इंटेलिजेंस बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। अब जितने भी हथियार आ रहे हैं उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल हो रहा है, और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा जब एग्जीबिशन को उद्घाटन किया AI इन डिफेंस सेक्टर की, अब जो जितने भी हथियार हैं उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगा है। और जब हम यहाँ इस एग्जीबिशन में पहुँचे तो ये गन देखी है जिसका इस्तेमाल किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और इसको नाम ही दिया गया है AI असिस्टेड रिमोट वेपन स्टेशन। ये दरअसल एक हथियार के साथ साथ एक स्टेशन है, इसमें कैमरा भी लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कैमरामैन कपिल दिखाएंगे तो ये एक गन है, यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है और इसको ये क्योंकि रिमोटली
जो ऑपरेटेड है, लेकिन क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो एथिकल इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसके लिए ही जो सैनिक हैं वो इसको कमांड देते हैं, अन्यथा ये खुद अपने आप भी फायर कर सकती है। हमारे साथ खुद मेजर पारस हैं जो इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये वेपन इस्तेमाल होता है। मेजर पारस, ये जो गन देख रहे हैं जिसपे एक कैमरा भी लगा हुआ, ये कैसे? ये एक रिमोट वेपन स्टेशन है जिसके ऊपर जिसके पास में मल्टी वेपन कैपेबिलिटी है। इसमें स्नाइपर, इंसास राइफल और काफ़ी अलग प्रकार के वेपन सिस्टम जिसमें जुड़ जाते हैं। आप जैसा कि देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली ये भी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करता है, टारगेट एक्विजिशन करता है। इसमें कॉम्बैटेड वर्सेस सिविलियन का कैपेबिलिटी दिया गया है, बट क्योंकि एलसी पे लगा है तो एलसी में उस पार से जो भी आएगा वो एनिमी है। ये दिन और रात में 300 मीटर की दूरी पे 100% फर्स्ट राउंड हिट परसेंटेज का रिजल्ट देता है स्टैटिक टारगेट्स पे और 90% ऑन मूविंग टारगेट्स पे। इसको डेवलप करने में हमें एग्जैक्टली 2 साल लगे हैं। 2 साल में धीरे 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 इम्प्रूव करके इसको इस काबिल बनाया गया। इन्होंने खुद अपने आप डेवलप किया? ये एक सेना की वर्कशॉप के अंदर डेवलप किया गया है। 5 लोगों की टीम में ये ट्रायल करके इस पर डेवलप किया है। एक बार ट्रायल हमें दिखाएंगे। तो ये मेजर पारस हैं, जैसे कि इसको टेस्ट किया जा चुका है। ये देखिए, ये टेस्ट किया जा रहा है और इसकी एक्यूरेसी, जैसे हमने सुना है, क्या वाकई में एक सैनिक से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी मान सकते हैं? क्योंकि एक रिमोट वेपन स्टेशन है, ज़्यादा स्टैटिक है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो 300 मीटर पे 100% अगर रेट दे रहा है तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेसी है इसके अंदर। जैसे कि हम लोग इस डेमो में देख भी पा रहे हैं, जैसे कि कैमरामैन दिखा रहे हैं कि 300 मीटर तक इसकी 100% एक्यूरेसी है और मूविंग टारगेट्स में जो है 90% तक की। चाहे बड़ा वेपन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मेजर पारस, इसमें ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इसमें। बताया कि मल्टी वेपन कैपेबिलिटी वाला है, इसमें इंसास राइफल, इंसास LMG, AK-47, 6 और स्नाइपर किसी भी प्रकार का इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम लोगों ने जैसा वीडियो में देखा है, इसको टेस्टिंग भी किया है। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ह्यूमन टारगेट्स को एक्वायर करेगा और उसके ऊपर फायरिंग करेगा। एक बार आप डेमो भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये डिटेक्ट कर रहा है जितने भी लोग यहाँ इस एग्जीबिशन में हैं, उन सबको एंगेज कर रहा है। ये देखिए गन भी अपने उसके साथ साथ ये देखिए मूव कर रही है, एंगेजिंग वेपन। ये देखिए अपने आप एंगेज कर रहा है, जो भी इसके सामने आएगा उस पर ये फायर कर सकता है स्टैटिक। ये देखिए जैसे जैसे जहाँ जहाँ कैमरा घूम रहा है उसको ये देखिए इसमें आवाज भी आ रही है कि किस तरह से ये इसका ट्रिगर दब रहा है। कोई दबा नहीं रहा है, खुद अपने आप इसका ट्रिगर दब रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल हथियारों में इस्तेमाल हो रहा है और हमारे देश की सरहदों की सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हमारे देश की सीमाओं की बात करें, चाहे फिर वो LOC हो या LAC हो, वहाँ पर माइंस भी लगी हुई होती हैं और इन माइंस के चलते, इन माइंस के फटने से कई बार ऐसा होता है कि हमारे सैनिक ही खुद हताहत हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि गलवान घाटी की जो हिंसा हुई थी उसके बाद माइंस भी वहाँ पट गए थे। तो उसके लिए अब इन माइंस को कैसे इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, उसके लिए भारतीय सेना की जो आर्मी डिजाइन ब्यूरो है ADB, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से इस माइन स्काउट का को तैयार किया, सैपर स्काउट को तैयार किया। ये छोटी सी मशीन है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई है। हमारे साथ खुद कैप्टन राजप्रसाद हैं जो बताएंगे कि किस तरह से ये जो सैपर्स स्काउट है ये कैसे मदद कर सकती है माइंस को डिटेक्ट करने में। जी कैप्टन, आपको पता है माइन फील्ड पार करते समय हमारा वीर जवान बहुत संख्या में हताहत हो सकते हैं। इस बड़ा हताहतों की संख्या को कम करने के लिए मैंने इस इनोवेशन को विकसित किया है। इस इनोवेशन में 3 मुख्य प्रयोग है। एक तो माइन डिटेक्शन, क्या अंदर है ज़मीन का अंदर उसको पता करने के लिए, और क्लासिफिकेशन ऑफ माइंस, कौन सा माइन है वो पता करने के लिए, और मार्किंग द माइंस ताकि हमारा वीर जवान को पता लग जाएगा कहाँ पे माइन है। तो एक इल्यूमिनेटिंग स्प्रे इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिन और रात के समय हमको पता लग जाएगा। और न्यूट्रलाइजिंग वो मैनुअली करेगा, कारण एवरी माइन उसके लिए अलग न्यूट्रलाइजिंग टेक्निक है। तो ये कैप्टन राजप्रसाद हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए ये छोटी सी मशीन है जो अनमैंड है और इसीलिए ये अपने आप जा सकती है। इसमें सैनिक दूर खड़ा होकर डिटेक्ट कर सकता है बॉर्डर पर कि किस तरह से कहाँ पर कोई माइन होगी। तो माइन होगी तो ये बीप करेगा, डिटेक्ट करा के उसको मार्क भी करेगा। तो ये भारतीय सेना की जो आर्मी डिजाइन ब्यूरो है उसने तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेक्टर है, ये जो देश की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि तकनीक है, सैन्य उपकरण है, वो तो तैयार कर ही रही हैं। सेना खुद अपनी जो उनके सैनिक हैं, आर्मी डिजाइन ब्यूरो, एक अलग विभाग बनाया गया है जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट्स को यानी सैन्य उपकरणों को तैयार कर रहे हैं, याद कर रहे हैं ताकि इनका फिर प्रोडक्शन हो और फिर उसका इस्तेमाल जो है भारतीय सेना
अपने बॉर्डर्स पर या कहीं और भी कर सकती है जहां जहां पर सेना तैनात रहती है। पुलवामा हमले के दौरान हमने देखा था कि किस तरह से एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने के लिए, और बाद में पता चला कि वो चोरी की गाड़ी थी, यानी कि उसको इस्तेमाल किया गया था। तो इसी तरह से अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो सेना है, जो CICT ऑप्स यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करती है, कश्मीर में करती है, नॉर्थ ईस्ट में करती है, वो किस तरह से पता लगाएगी कि ये गाड़ी चोरी की है, ये सस्पिशियस गाड़ी है। उसके लिए ही AI का इस्तेमाल करके भारतीय सेना की ADB ने सस्पिशियस व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल ईजाद किया है, जिससे ये विद इन सेकेंड जो पता लगा सकते हैं चाहे कोई भी गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही हो कि वो गाड़ी सस्पिशियस। हमारे साथ कैप्टन पुनीत हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैप्टन पुनीत, किस तरह से ये जो सस्पिशियस व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम है किस तरह से इस्तेमाल होता है और कैसे आपने AI का इस्तेमाल इसमें किया है? तो ये सस्पिशियस व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम क्या करता है, एक व्हीकल अगर आ रहा होता है और कैमरे के सामने आता है तो वो जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो कैमरे से उसका नंबर प्लेट ले लेता है, साइज ले लेता है, कलर ले लेता है, मेक एंड मॉडल ले लेता है। जब ये सारी डिटेल्स कैमरे से ले लेता है विद इन अ सेकेंड, तब इन सारी डिटेल्स को RTO की डिटेल्स के साथ मैच किया जाता है। जब ये दोनों डिटेल्स मिसमैच होती हैं तब ये सिस्टम बता देता है कि ये है कि नहीं। जैसे इस वीडियो में अगर आप देखो तो ये व्हीकल पास हो गया एक चेक पोस्ट से, इस टाइम तक हमें डिटेल मिल जाती है कि व्हीकल का नंबर प्लेट क्या था, व्हीकल दिखती कैसी है, और जैसे ही हमें सस्पिशियस लगता है कोई भी डिफरेंस होता है तो वो ऑडियो अलर्ट दे देता है हमें। इससे हम डेटा एनालिटिक्स वगैरह से भी हम पता कर सकते हैं कि CICT में कौन सी व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, कौन सी व्हीकल्स आतंकवादी ज़्यादा यूज़ करते हैं या किसी एंटी नेशनल एलिमेंट्स, कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम तैयार किया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किया गया। ऐसी एक और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक सिस्टम देखते हैं, प्रिज्म जिसको नाम दिया गया, प्रोएक्टिव रियल टाइम इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई हैं जहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्दर्न सेक्टर यानी कि चाइना की तरफ की PLA के जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उनके स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और ये सस्पिशियस मूवमेंट हम लोग जैसे कि देखते हैं LOC पर होते हैं उन सब की तस्वीरें लगाई गई हैं। उसमें इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रिज्म का वो हमें कैप्टन पुनीत बताएंगे। कैप्टन पुनीत, प्रिज्म का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम लोग कैमरे की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का? प्रिज्म का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते हैं कि हमने अपने AI मॉडल को इतना ट्रेन कर रखा है कि कोई भी वीडियो किसी भी प्रकार का, चाहे वो थर्मल इमेजिंग से आया हो, चाहे वो IR कैमरा से हो, चाहे वो CCTV कैमरा से हो, इन सारे वीडियोस पे हमारा AI मॉडल रन करता है और फिर वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह करके देखता है, चाहे वो किसी भी वेदर कंडीशन में हो, कितना भी छोटा हो। जैसा कि ये है, अब इसमें हमें इंसान बहुत माइन्यूट दिखेगा, अगर हम बहुत सारी स्क्रीन्स में देखें तो ये चीज़ एक नॉर्मल इंसान की आंखों से नहीं दिखी जाएगी। तो ये हमें डिटेक्ट कर देता है और ये हमें एक ऑडियो अलर्ट भी देता है ताकि हमें पता लगे कि किस टाइम पे कौन सी मूवमेंट हुई है। कमांड सेंटर में जो हमारे सैनिक जो निगरानी रखते हैं उन पर ये अलर्ट चला जाएगा, उन पे तुरंत अलर्ट चला जाएगा। तो एक नॉर्मल इंसान को ये पता चल जाएगा कि वो 27 स्क्रीन या 28 स्क्रीन जो भी वो स्क्रीन देख रहा है उस स्क्रीन में से किस स्क्रीन में मूवमेंट हो रही है। तो ये सारी डिटेल्स हमें पता चल जाती है। तो ये देखिए कैमरामैन कपिल दिखाएंगे, देखो ये एक तस्वीर दिखाई दे रही है चाइना बॉर्डर की दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो दूर, क्योंकि काफ़ी दूर होते हैं क्योंकि सरहद की दूसरी तरफ, लेकिन मूवमेंट पर हमें नज़र रखनी है। तो ये देखिए गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं चीनी सैनिकों की इंडो चाइना बॉर्डर पर शिपकिला में। तो वो उसके लिए क्या किया है कैप्टन पुनीत और उनकी टीम ने, सेना ने क्या किया है, जो कैमराज तो लगे हुए हैं क्योंकि कई कई किलोमीटर दूर तक की उनको निगरानी रखनी होती है लेकिन फुटेज बहुत ब्लर आती है। तो उसके लिए क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल जो है इन PCs में किया गया। तो ये देखिए अब यहाँ पर कैमरामैन कपिल दिखाएंगे, तो ये तस्वीर देखिए कितनी साफ तस्वीर है क्योंकि इन्होंने इस PC में, इस कंप्यूटर में, इस लैपटॉप में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, जिससे कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितने सैनिक हैं, गाड़ियां कौन सी हैं ये भी साफ दिखा रहे हैं लेकिन इस स्क्रीन में साफ नहीं दिखाई दे रही थी। तो ये प्रिज्म नाम दिया है इसको, प्रोएक्टिव रियल टाइम इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये AI का इस्तेमाल भारतीय सेना अपनी सरहद पर कर रही है ताकि दुश्मन पर निगरानी रखी जा सके और हमारी सरहदें सुरक्षित रह सके। यूक्रेन रूस युद्ध में हमने देखा कि किस तरह से जो टैंकों का इस्तेमाल किया गया और ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। तो क्योंकि जो जितने भी युद्ध अब जितने भी हो रहे हैं उन सब में जो टैंक होते हैं या फिर जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स होते हैं जिसमें सैनिक बैठकर जाते हैं उनको तबाह करने के लिए ATGM का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब इस ATGM में कर दिया है, भारत ने किया है। जो एग्जीबिशन लगाई गई है राजधानी दिल्ली में AI एंड डिफेंस सेक्टर, उसमें जो BDL है यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने, जो कि स्वदेशी
जो डिफेंस पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसने क्या किया है इस एटीजीएम में एआई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो टैंक होते हैं कई किलोमीटर दूर होते हैं, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर, या फिर जो एपीसी आर्मेड पर्सनल कैरियर जिसे एफआईसी भी कहते हैं, तो उनको क्या किया है उसमें एटीजीएम पर एआई लगाया है ताकि जो पिन पॉइंट कर सकें कि कहाँ पर टैंक कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए, ये अगर कोई टैंक अगर कोई 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और किसी सैनिक को इनको तबाह करना है तो उसके लिए ये टारगेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अन्यथा उसको इतना स्किल्ड होना चाहिए, इतना कि प्रेसाइज होना चाहिए कि वो अपनी आंखों से देख सके कि एटीजीएम कहाँ फायर करना है। लेकिन इस एटीजीएम पर अगर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल करेंगे तो उसको टारगेट साफ दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये विदाउट एआई, यहाँ पर इस जगह पर कोई टैंक होगा या फिर कोई और जो कह सकते हैं कि हम लोग की कोई और बीएमपी मशीन होगी वो जा रही होगी तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर इस एआई का इस्तेमाल करेंगे तो जो सैनिक होगा उसके लिए बहुत आसान होगा कि कहाँ पर उस टारगेट को उसका निशाना बनाना है। और हमने देखा है कि इसका इस्तेमाल जो है यूक्रेन युद्ध में बहुत ज़्यादा किया गया, और इसीलिए जो दोनों ही देशों के यानी कि रूस और यूक्रेन के जो टैंक थे उनके जो बीएमपी मशीन थी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान इस युद्ध में हुआ। तो क्योंकि भारत की सीमाएं इतनी लंबी हैं और भारत के 2 पड़ोसी देश जिनके साथ भारत का हमेशा से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि दुश्मनी रही है, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, और हमने देखा कि गलवान घाटी की जब हिंसा हुई थी उसके बाद भारतीय सेना ने किस तरह से टैंकों का इस्तेमाल किया, चीन की तरफ से भी टैंकों का इस्तेमाल किया गया था बॉर्डर पर मोबिलाइज करने के लिए। तो ऐसे समय में इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है दुश्मन के टैंक को तबाह करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब सोमवार को एआई इन डिफेंस सेक्टर की एग्जीबिशन का उद्घाटन किया तो उस दौरान वो खास तौर से एक स्टॉल पर आए और उस स्टॉल पर एक दरअसल छोटा सा डिवाइस रखा हुआ था। इस वक्त हम उसी स्टॉल पर हैं, ये छोटा सा डिवाइस है, दरअसल ये बॉर्डर लैंग्वेज असिस्टेंट इन डिफेंस यानी कि डिवाइस है, ये छोटा सा डिवाइस है। और ये करता क्या है, दरअसल ये मैंड्रीन भाषा जो होती है यानी कि जो चीनी भाषा होती है उसको इंग्लिश में तुरंत जो है रियल टाइम में उसको कन्वर्ट कर देता है यानी कि इंटरप्रेट कर देता है। और इसका इस्तेमाल भारतीय सेना कैसे करेगी, कैसे करती है इसका इस्तेमाल, जो सैनिक जो LEC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात रहते हैं जिनका आमना सामना चीनी सैनिकों से होता है, वो सैनिक जो है इस डिवाइस को, छोटे से डिवाइस को अपने यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, कान में एक ये ईयरफोन है जैसे कि हम लोग मोबाइल फोन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। और चीनी सैनिक अगर 5 फीट की दूरी पर होगा तो वो जो अपनी भाषा में बात कर रहा होगा मैंड्रिन को, इसको आसानी से सुन सकते हैं भारतीय सैनिक। और ये इसलिए याद किया है, ये एक प्राइवेट कंपनी ने जो एक स्टार्टअप के साथ मिलकर इसको डिवाइस को तैयार किया है, क्योंकि भारत की चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी LEC यानी कि बॉर्डर है, वहाँ पर ये मुमकिन नहीं कि सारे सैनिकों को चीनी भाषा आती हो, तो ऐसे में चीनी सैनिक क्या बात करते हैं उसके लिए ये डिवाइस तैयार किया है। कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव है हमारे साथ हैं, अनुरूप अयंगर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अनुरूप, ये किस तरह से डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और क्या इसका इस्तेमाल, जैसा कि हम लोगों को पता चला है कि ये कन्वर्टर है। देखिए पहली चीज़ ये है कि ये कम्प्लीटली ऑफ द इंटरनेट डिवाइस है, क्योंकि ये जो एरियाज में ये जो डिप्लॉय होते हैं इंटरनेट तो फिलहाल उधर मिलता है नहीं। तो हमारा चैलेंज ये था कि इस सारी AI मॉडल्स को छोटा कैसे बनाएं और उसको ऐसे डिवाइस पे बिठाएं जो कम्प्लीटली ऑफ द इंटरनेट चल सके। बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आज ये सब AI मॉडल्स बहुत बड़े रहते हैं, लगभग 2 GB, 3 GB के साइज़ रहते हैं। ये जो हम बहुत आराम से गूगल को आज इस्तेमाल करते हैं वो सब सर्वर पे चलते हैं, लेकिन हमारा चैलेंज ये था कि स्पीच टू टेक्स्ट, मशीन ट्रांसलेशन एंड टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब मॉडल्स को छोटा बना के एक ऐसे डिवाइस पे रन करें जो सब सेकेंड का लेटेंसी दे, क्योंकि आदमी ये रुक नहीं सकता कि वो बोले और 5 सेकेंड या 10 सेकेंड रुके, तो 1 सेकेंड में उसको आउटपुट आना चाहिए। वो हमारी टीम ने ऐसे वो किया है। तो ये खास बात जो अनुरूप ने हमें बताई है वो ये कि ये बिना इंटरनेट के चलता है ये जो डिवाइस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ में LEC पर वहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत होती है, नेटवर्क नहीं होता है, तो जो सैनिक है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। आप अनुरूप ये बताएंगे कितना इसका वेट होगा, किसे उठाने में कितना वेट और कितनी इसकी रेंज है? देखिए मेरी बैकग्राउंड चिप डिज़ाइन से है, तो मेरा ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंपनी ब्रॉडकॉम में काम करता था, तो ये सेमीकंडक्टर्स या चिप जो होते हैं उसका जानकारी मैं और मेरे टीम को ज़्यादा है। तो हम ये डिवाइस बनाने में एटलीस्ट लगभग 5 iterations किए हैं। वी हैव गॉन थ्रू 5 different devices बिफोर जीरोइंग ऑन दिस काइंड ऑफ अ डिवाइस। अभी फ़िलहाल इसको और छोटा बनाने का काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि इसका बैटरी कम हो सकता है। एक और प्रॉब्लम था कि ये बैटरी -30, -40 में भी काम करना है उसको, तो उसके कारण इसका साइज़ थोड़ा आज बढ़ गया है। लेकिन
बैटरी का ये जो बोलते हैं केमिस्ट्री, विद स्पेसिफिक केमिस्ट्री, इसका साइज और छोटा बन सकता है। आपका ये कहना है कि ये जो डिवाइस होगा ये एक तरह से मोबाइल फोन के बराबर आप कन्वर्ट कर सकते हैं? फाइनल प्रोडक्शन वर्जन शायद ये अपना पावर बैंक के साइज हो जाएगा, ये पावर बैंक के साइज में, ताकि सोल्जर्स को इसको कैरी करने में बहुत आसान हो एंड वो शायद यू नो दूसरे एडवर्सरी सोल्जर्स को दिखाई भी नहीं दे। तो ये जो डिवाइस है ये तैयार किया है और इसके लिए कुछ और मॉडिफिकेशन के लिए कहा गया है, कुछ और लैंग्वेज के लिए भी ये डिमांड की गई है भारतीय सेना की तरफ से। हालांकि इसका टेस्ट पहले ही हो चुका है, इसका इस्तेमाल किया जा चुका है, टेस्ट किया गया है और अब इसको और छोटा बनाने के लिए जो कंपनी है, स्टार्टअप है जिसको बोला गया है कॉग्निट, ये स्टार्टअप है जिसको कहा गया है कि इसको और छोटा बनाए तब फिर भारतीय सेना इसको अपनी सैनिकों को जो है वो दे सकती है।